हाय गाइस, वेलकम टू लर्न एट होम। मैं हूं सिद्धार्थ और आप लोगों का यहां बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर के बारे में जाना। अगर आप उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी पोस्ट कर दूंगा। अदरवाइज हम आज की वीडियो में काउंटर्स के बारे में जानेंगे। तो अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम अपने लॉजिक्स प्रो सिमुलेटर पर चलते हैं। यहाँ हमारे पास दो तरीके के काउंटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो काउंटर्स को जानने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रोग्रामिंग टैग में चलते हैं। यूजर्स में हम पहले क्या यूज़ करते चले आ रहे हैं, हमेशा से एग्जामिन इफ क्लोज। तो हम एक एग्जामिन इफ क्लोज ले लेते हैं। तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक इनपुट की तरह काम करेगा, जिससे हम काउंटर के अंदर क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें जान पाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइमर और काउंटर वाले टैब में जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम जैसे टी ऑन, टी ऑफ, आर टी ओ, ये सारे हम यूज़ कर चुके हैं। आज हम यूज़ करने वाले हैं सी टी यू। सी टी यू इज स्टैंड फॉर काउंट अप, ठीक है। अप टाइप काउंटर जो होता है वो सी टी यू होता है, और सेम एज डाउन टाइम काउंटर होता है तो वो सी टी डी होता है। तो आज की हम वीडियो में सी टी यू यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक सी टी यू यूज कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके सिंबल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है यहाँ पे हमें काउंटर को एड्रेस देना है। सिंपली आप इस पर क्लिक करके इस पर एड्रेस असाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एक एड्रेस भी दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले से प्रीसेट वैल्यू 12, एक्यूमुलेटर वैल्यू 7 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में इसको यूज़ किया था। इसकी वजह से कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पहले से हाई हैं। आप काउंटर चेंज कर दीजिए, दूसरा कोई काउंटर ले लीजिए, एड्रेस चेंज करते हैं, ठीक है। इसकी हम प्रीसेट वैल्यू और एक्यूमुलेटर वैल्यू को भी रीसेट कर सकते हैं टेबल से जाके, वो हम बाद में करेंगे। चलिए, हमने एक काउंटर ले लिया। अब हम इसको क्या करना है, हमें एक प्रीसेट वैल्यू देनी है। सपोज मैंने प्रीसेट वैल्यू इसको 10 दे दी। अब अगर प्रीसेट वैल्यू 10 है तो इसमें दो विट्स आप यहाँ देख रहे हैं, एक सी यू देख रहे हैं, एक डी एन देख रहे हैं। सी यू तब हाई होगी जब हम इनपुट हाई करेंगे। जितनी देर इनपुट हाई रहेगा, सी यू विट इज चेंज टू ई एन विट, इट मीन्स एनर्जाइज विट। तो जब भी हम इनपुट हाई करेंगे तो सी यू विट चेंज हो जाएगी ई एन विट में, तो वो कंटिन्यूसली हाई रहेगी, एनर्जाइज रहेगी। तो हम ई एन विट का यूज करके इनपुट को देख सकते हैं कि कब काउंटर का इनपुट हाई हो रहा है या लो हो रहा है। अदरवाइज हमें काउंटर का जो यूज होता है वो हम डी एन बिट का मोस्टली यूज करते हैं। वो कैसे, जब हमारी प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू के बराबर हो जाती है तब हमारी डी एन बिट हाई हो जाती है। सपोज हमने प्रीसेट वैल्यू 10 दे रखी है, तो जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 10 हो जाएगी तब हमारी डी एन बिट हाई होगी। चलिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इनपुट को एड्रेस दे देते हैं जिससे हम इसको चेक कर सकें। बैक टू डाउनलोड एंड रन मोड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इनपुट प्रेस करते हैं, देखते हैं एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 राइज हुई। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ ई एन बिट जो है वो हाई है, क्योंकि मैंने कंटिन्यूअसली इनपुट को प्रेस कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं जैसे ही इनपुट रिलीज करूंगा ई एन बिट लो हो जाएगी, वो सी यू बिट बन जाएगी बैक टू। तो अब हम क्या जानना चाहते हैं कि अगर हम कंटिन्यूअसली प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं एक्यूमुलेटर वैल्यू सिर्फ 1 राइज हुई है। हम इसको रिलीज कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारी जो सी यू बिट है वो लो हो जाएगी, लेकिन एक्यूमुलेटर वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्यूमुलेटर वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम इनपुट को ज़्यादा देर तक भी देते हैं या हम कम देर देते हैं, उससे एक्यूमुलेटर सिर्फ 1 राइज करेगा, उससे एक्यूमुलेटर वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमारा इनपुट कितनी देर तक ऑन रहता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ आपको यहाँ पे पता चली। अभी हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूसली इसको बार बार प्रेस करते हैं अलग अलग टाइमिंग से। इस बार मैं जल्दी से प्रेस करूंगा, मैंने फट से प्रेस किया और छोड़ दिया। आपने देखा तुरंत ही विद इन अ सेकेंड एक्यूमुलेटर वैल्यू राइज हो गई। मैं फिर से और जल्दी जल्दी यूज़ करता हूँ, मैंने फटाफट प्रेस किया फिर भी उसकी एक्यूमुलेटर वैल्यू राइज हो गई। अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं प्रोग्रामिंग मोड में, हम अपना एक बिट ले लेते हैं एग्जामिन इफ क्लोज की, और इसके साथ ही एक आउटपुट ले लेते हैं। हमने एक आउटपुट ले लिया, एक बिट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, एड्रेस दे देते हैं इसको, सेम टाइमर एड्रेस दे दीजिए और स्लैश डी एन, ओके। सो ये हमारी टाइमर की डन बिट हो गई। अब इससे हम एक आउटपुट हाई करा लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जब हमारी प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू के बराबर होती है तब क्या होता है, ठीक है। हम वापस चलते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड हो गया, रन मोड में लेके आते हैं, ठीक है। अभी हम इसको प्रेस करते हैं, एक्यूमुलेटर विट राइज हो रही है। जब एक्यूमुलेटर विट 10 के बराबर हो जाएगी तब क्या होता है, देखिए एक्यूमुलेटर विट 10 होने से क्या हो गया, हमारी डी एन बिट जो है हाई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसकी वजह से ये हमारा इनपुट जो है वो हाई हो गया, और जो हमारी आउटपुट वैल्यू है वो हाई हो गई। आप यहाँ भी उस आउटपुट को ग्लो होते हुए देख सकते हैं। अब हमारी आउटपुट वैल्यू हाई हो गई, प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू के बराबर हो गई। अब ये टाइमर की जो एक्यूमुलेटर वैल्यू, जैसा कि आपने देखा हम इनपुट प्रेस नहीं कर रहे, लेकिन वो एक्यूमुलेटर 10 पे होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये कंटिन्यूअसली हाई रहेगी। अब हम इसको लो कैसे करें,
इसको लो करने के लिए जैसे कि हम टाइमर में कर रहे थे, हम इसको रीसेट बिट देंगे। रीसेट किस तरीके से देंगे, हम वापस आ जाते हैं अपने काउंटर्स एंड टाइमर में और अपना रीसेट यूज़ करेंगे। रीसेट यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसको रीसेट को इंसर्ट कर लेते हैं और इसको एक इनपुट देंगे, जो भी इनपुट हाई होगा तब ये काउंटर हमारा रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट को पहले तो हम काउंटर का एड्रेस दे देते हैं क्योंकि हमें काउंटर रीसेट करना है। उसके अलावा इसको हाई कराने के लिए हम एक इनपुट यूज़ करेंगे, ठीक है। यूजर्स में जाके हम एग्जामिन एक क्लोज ले लिया कोई भी और उसको एक एड्रेस दे देते हैं। सपोज हम इस पुश बटन का एड्रेस इसको दे देते हैं। अब हमने इस पुश बटन का एड्रेस इसको दे दिया है, चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और रन मोड में आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू के बराबर है। जब भी हम इस इनपुट को प्रेस करेंगे हमारा काउंटर रीसेट हो जाएगा। चलिए ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सीख लिया, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ही हम एक बार प्रेस करते हैं हमारा एक्यूमुलेटर वन राइज करता है कंटिन्यूअसली जब हम इसको प्रेस करते जाते हैं। जैसे ही इनपुट हाई होता रहता है, जब एक्यूमुलेटर वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाती है तो हमारा डीएन बिट हाई हो जाती है। उसके बाद हम कितनी बार भी इसको प्रेस करें उससे डीएन बिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्यूमुलेटर 111 राइज होता रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा, हमारा रीसेट बिट को हाई करेगा और रीसेट बिट हाई होते ही हमारा काउंटर रीसेट हो जाएगा। चलिए प्रेस करके देख लेते हैं। देखिए एक्यूमुलेटर बिट आपकी जीरो हो गई है और हमारा जो आउटपुट जल रहा था, ग्लो हो रहा था, वो बंद हो गया है। आज के वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज और डाउन टाइमर डाउन काउंटर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज़।